Students, today we will solve exercise 2. Rewrite each sentences using the past verb ka second form, form of the verb underlined. यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी sentences दिए हुए हैं, जो भी underlined words हैं, ये verb हैं, okay? जैसे feels, rings, send, spend, ये सारे verb हैं sentence में जो आपने verb कल जो आपको explain किया गया था, मतलब आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया. तो यहाँ पे इन सभी का आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म लिखना है. क्या करना है, सेकंड फॉर्म. राम फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, राम फील्स सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. तो फील्स का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट. राम फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. उसी तरह से सेकंड आइए, द पियोन रिंग्स द बेल ऑन टाइम. रिंग्स का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, रैंग. द पियोन रैंग द बेल ऑन टाइम. फिफ्थ को उसी तरह से देखिए, वी हियर हिज स्पीच ओवर द रेडियो. तो हियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हर्ड. वी हर्ड हिज स्पीच ओवर द रेडियो. इसी तरह से जो बाकी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर दे सेंड हर अ लेटर यस्टरडे. तो यहाँ पर आप सेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेंट. दे सेंड हर अ लेटर यस्टरडे. इस तरह से जो भी वर्ब दिए हुए हैं, पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आप वैसे ही लिख देंगे, केवल आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ करना है. ओके, तो इसमें ये आप कॉपी में करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए. नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरीज. मतलब कि यहाँ पर कुछ हेल्प बॉक्स में देखिए ऑक्सिलरीज दी गई हैं, हैज़, मस्ट, कैन, वॉज, विल, शुड, डू, मे. इनको आपको क्या करना है, फिल करना है. यहाँ पर देखिए, आप जैसे क्लास में भी होते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर. तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है, मे लगेगा. वी डू नॉट टेल लाइज. वी है तो वी के साथ हमेशा डू लगता है, और एक की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है, डज. ये आपको पहले भी बताया जा चुका है. तो यहाँ पर क्या होगा, वी डू नॉट टेल लाइज. उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ. तुम्हें सच बोलना चाहिए. वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स. हमें अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए. चाहिए का सेंस जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे बॉक्सेस फिल हुए हैं. इन बॉक्सेस को, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3, इसको आप कंप्लीट करेंगे बुक में ही. नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स द पास्ट वर्ब सेकंड फॉर्म और द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब. यानी कि जो भी वर्ब दिया हुआ है, ओके, ब्रैकेट में जो भी वर्ब दिए हुए हैं, जैसे टेल, फॉरगेट, बाइट, मीट, इन सभी का या तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. ओके, जिसको आप पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो इसको आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, कहाँ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. जिस भी सेंटेंस में हैज़ या हैव अगर आता है तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा. जैसे ही नेवर, यहाँ पर हैज़ या हैव नहीं है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, टोल्ड अ लाई. नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, आई हैज़ और हैव कुछ नहीं है, फॉरगेट है तो इसका सेकंड फॉर्म फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स. थर्ड सेंटेंस में देखिए, अ मैड डॉग हैज़, क्या है, हैज़ आ गया, हैज़ आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाइट का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाइट, बिटन. ओके, बाइट का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, बिटन हिम. नेक्स्ट सेंटेंस आई, फिर यहाँ पर हैज़ या हैव कुछ नहीं दिया है, माई फ्रेंड लास्ट संडे, तो यहाँ पर हम मीट का क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, मैट. ओके क्लास, नेक्स्ट सेंटेंस 8 देखिए, मिस्टर वर्मा हैज़ होम फॉर लंच. तो गो, यहाँ पर हैज़ लगा है, गो का थर्ड फॉर्म क्या आता है, गो, वेंट, गॉन. तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन. ओके, इसी तरह से आप पहचानेंगे कि कहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा और कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और इसे आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.